आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। IMF ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का GDP 6.8% रहने का अनुमान जताया है, जो IMF के पहले के अनुमान से 0.6% कम है। इससे पहले जुलाई में IMF ने भारत के विकास दर 7.4% रहने का अनुमान जताया था। IMF का कहना है कि वैश्विक कारणों के असर और सख्त मॉनिटरिंग पॉलिसी के चलते भारत की आर्थिक विकास दर कम रह सकती है। IMF ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को लेकर मंगलवार को अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की। IMF का कहना है कि संक्षेप में सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है। कई लोगों के लिए 2023 का साल मंदी की तरह साबित होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है और ये यूक्रेन पर रूसी हमले, महंगाई और चीन में सुस्ती का असर है। IMF के मुताबिक 2023 में दुनिया के कई देशों की आर्थिक विकास दर नेगेटिव रह सकती है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और चीन में विकास दर की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। IMF ने पहले वर्ल्ड बैंक भी भारत के विकास दर के अनुमान को घटा चुका है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.5 से घटाकर 6.5% कर दिया था। हालांकि RBI ने मौजूदा वित्त वर्ष में देश की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान जताया है।